रायसेन में तीन बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। तीनों बच्चे तालाब में मछली पकड़ने गए थे। काफी देर तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजन उनकी तलाश में निकले और तीनों बच्चों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। अभी क्या करते हो गए? अंतर्गत तीन बच्चों की आज तालाब में डूबने से मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली हमारे पास एक सूचना आई कि गांव में विधानी गांव के पास जो एक तालाब बना है जो कि शासकीय तालाब है, उसमें तीन बच्चे डूब गए हैं। एक का नाम है धर्मेंद्र, एक का नाम है मनीष, एक का नाम है ग्यासी। तीनों ही बच्चे छोटे हैं, 14 साल, 13 साल और 9 साल के हैं। अभी तक की प्रारंभिक जाँच में तो स्पष्ट है कि तीनों बच्चे वहाँ गए थे और डूबे हैं। परिजन का कहना ऐसा है कि ये लोग मछली पकड़ने गए थे। अब मर कायम कर लिया जा रहा है, जाँच की जाएगी, जैसा भी आएगा उसमें